क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 जो है आपका, उसका जो प्रश्नावली 1.1 है ना, उसका ये जो पहला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में हर बार आ जाते हैं। हर बार इन तीन में से क्वेश्चन तो हर बार आएगा या फिर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, फुल गारंटी के साथ। तो क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्योंकि HCF ज्ञात करने के और भी मेथड हैं, लेकिन जिस मेथड का वर्णन किया गया है आपको उसी मेथड से ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, मैं आपको सबसे पहले क्या समझाऊंगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये क्या होती है पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस को हम करेंगे, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको अगर समझ गए तो काम एकदम आसान बन गया। यदि दो धनात्मक पूर्णांक हो ठीक है, मान लो कि ए जो कि बी से बड़ा है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ ये जो आर का मान होता है ना वो हमेशा बी से छोटा होता है और ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा होता है, ठीक है। ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। अब क्या है ना, इसमें नियम क्या होते हैं, पहले वाले प्रश्न पर आ जाओ। जैसे 135 और 225 है ना, तो 225 बड़ा है, ठीक है, उसको बड़े वालों को इस तरफ लिखो। फिर क्या करना है, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ना, आप पूरा लिखना। सबसे बड़ा वाला इस तरफ रखो और छोटा वाला इस तरफ रखो। कई बच्चे ये जो भाग हम करते हैं ना पीछे छुपा छुपा के करते हैं, नहीं छुपा के मत करना, दिखा के करना है। 135 यहाँ रखो और उसको भाग देना है बड़े वाले में। 135 से कम 135, 135 उतनी 270 ज़्यादा बड़ा हो जाते हैं। भाग देने का नियम पता है, या तो उतनी बार पूरा पूरा जा रहा हूँ या उससे छोटा है, उससे बड़ा नहीं ले सकते हैं। ज़ीरो, 5 में 5 घटाएगा 0, 12 में से 3 घटाएंगे 9। कितनी बार गया, एक बार गया, कितना शेषफल बचा, 90 शेषफल बचा। अगर शेषफल 0 नहीं आया तो हमें नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इस संख्या और इस संख्या को लेना पड़ेगा। तो द्वितीय स्टेप में 90 इधर लिखेंगे, ठीक है, 90 नहीं, 135 इधर लिखेंगे और 90 इधर लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, 90 में भाग देना है 135 में। 90 कम 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 45। कितनी बार गया, एक बार। शेषफल कितना बचा, 45। फिर से 0 नहीं आया है, अब आपको फिर से आगे बढ़ना पड़ेगा। ये तब तक करना है जब तक कि आपका शेषफल 0 ना आ जाए। ये बड़ा है इस तरफ लिखो, छोटा है इस तरफ लिखो। 45 को 90 में भाग दो, 45 दूनी 90, शेषफल आ गया 0। बात बन गई, जब तक शेषफल 0 ना आए तब तक आपको करना है वह अंतिम संख्या जिससे आपने भाग दिया और आपको शेषफल 0 मिला, वही संख्या आपकी HCF होगी। यानी कि जब शेषफल 0 मिलता है ना, उसी के ऊपर वाला आपका HCF होता है। अतः HCF जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। अगर आपको किसी भी पार्ट में थोड़ा सा भी डाउट लगे, दिक्कत लगे, एक बार दोबारा देख लो वीडियो को। दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो यहाँ देखिए क्या है मेरे पास, जो 3 8 2 2 0 है, ये बड़ी हैं 196 से। तो यहाँ लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो बड़ी वाली संख्या है उसको यहाँ रखो। कभी कभी क्वेश्चन ना एक ही स्टेप में आपको जो शेषफल है 0 दे देते हैं, तो ये उसका शानदार उदाहरण है। 196 लिखो यहाँ, यहाँ जाएगा 3 8 2 2 0। इधर 3 अंक है, यहाँ पे भी 3 अंक लोगे, एक बार जाएगा। 196 कम 196 घटाओ, 12 में से 6 गया,
अच्छा है, 7 बचा, 17 में से 9 घटाएंगे कितना जाएगा, 8, और 2 में से 1 गया 1, ठीक है, यहाँ से 2 हासिल आ गया, कितनी बार जाएगा, 9 बार, 9 छक 54, हासिल लगा 5, 9 में 81 और 5 86, हासिल लगा 8, ठीक है, 9 एकम 9 और 8 17, तो 12 में से 4 गया, 12 में से 8 गया, कितना जाएगा, 12 में से 4, हम देखो हासिल लगा ना, 12 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 8, और इसने कैरी किया, यहाँ बचा 5, 15 में से 6 गया 9, और ये 0 आ जाएगा, 5 बार में 980, पूरा पूरा चला गया, शेषफल क्या आ गया, 0, तो कितनी बार गया, 195 बार गया, शेषफल क्या, 0, वह अंतिम संख्या जिससे आपने भाग दी थी और आपको शेषफल 0 मिलता है, वही आपका एचसीएफ होता है। अतः जो आपका एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा, 196, इतना शानदार है, ठीक है। अगले वाले पार्ट पे आ जाऊँ, थर्ड नंबर, सो देखो 867 255 से बड़ा है, ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, थर्ड वाला। सो हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, तो यहाँ पर 867 देखो, यहाँ 255, ठीक है, तो 255 से मुझे भाग देना है 800, 3 बार में चला जाएगा आइडिया, ठीक है, लग गया, 3 बार जाएगा, 4 बार में बड़ा हो जाएगा, 3 5 15, इसमें गुणा करना है, 1 बचा हासिल, 3 5 15 और 1 16, हासिल लगा 1, 3 2 6 और 1 7, 2 0, 102 बचा, कितनी बार गया, 3 बार, और शेषफल कितना बचा, 102, शेषफल 0 नहीं आया, तो ये 255 इस तरफ आ जाएगा, 102 यहाँ, अब 102 में भाग देना है 255 से, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 2 4 0, 2 1 2, तो शेषफल कितना बचा, 51, कितनी बार गया, 2 बार, कितना बचा, 51, 0 नहीं आया, फिर से करना है, 102 51, 51 2 102, शेषफल आ गया 0, कितनी बार गया, 2 बार, शेषफल आ गया 0, तो वह अंतिम संख्या जिससे आपने भाग दी थी और आपको शेषफल 0 मिला था, उस संख्या को आप कहते हैं एचसीएफ, तो एचसीएफ आपके पास कितना जाएगा, 51। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ गाइस, अगर थोड़ा सा भी समझ में ना आए तो आप ज़रूर दोबारा देखिए, और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, उसको ज़रूर देखें।